हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा और हल्का नाश्ता। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हमारी रेसिपी बनेगी ये चने की दाल और हरे मटर से बनेगी। एक कटोरी हमने हरा मटर लिया है और एक कटोरी चने की दाल लिया है। फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छे से बीन के और साफ़ करके धो लिया है और ये चना भी, चने की दाल भी हमने धो लिया है। इसको 2 घंटे पहले हमने भिगो दिया था। अब इसको हम थोड़ा कुक करेंगे और दिखाती हूँ कैसे मैं कुक करूँगी इसको। मैंने लिया है कुकर और कुकर में ये चने की दाल मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो कुकर की जगह कढ़ाई भी ले सकते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और कुकर में जल्दी से ये पक जाएगा। और इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी और ये जो हमारा हरा मटर है इसको मैं इस वाले कटोरी में ऐसे ट्रांसफ़र कर दूंगी और फिर मैं इसको इसी कुकर में सेट कर दूंगी। फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। और इसका मैं लिड लगा के गैस पर 1 सीटी आने तक मैं इसको बॉयल करूंगी। 1 सीटी आने के बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, फिर आपको दिखा। ये देखिए, हमारा मटर भी उबल गया और ये चना भी उबल गया। ये बहुत ज़्यादा नहीं गला है, ऐसे खिला खिला है। देखिए, इतना ही हमें चाहिए। अब इसके पानी को हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको हम छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छान लिया और ये इसका पानी निकला है। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। मैं दिखाती हूँ इसका क्या यूज है। 1 चम्मच के करीब आप डाल सकते हैं। आप जैसा तेल खाना चाहें, ज़्यादा या कम, उस हिसाब से आप तेल डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा कम ही डाला है। अब इस थोड़ा सा फ्लेम मैं ज़्यादा कर दूँगी ताकि जल्दी से पैन गर्म हो। अब हमारा पैन गरम हो गया, इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा साबुत धनिया है, 1 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच ये जीरा हमने डाल दिया। अब हम डालेंगे 1 पिंच हींग। हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम डाल देंगे ये जो हमने मटर को उबाला था इसको डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मटर हमारा भन भी जाएगा। इसी स्टेज पे ये हमने प्याज को चॉप करके रखा था, 1 मीडियम साइज के प्याज से इसको डाल दिया। डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। ये अच्छे से थोड़ा सा मटर को हमें दबा भी लेना है ताकि मटर भी हमारे ज़्यादा खड़े खड़े ना दिखें। और इसी के साथ हमारे प्याज भी भुनेगी। डालेंगे ये हरी मिर्च है जिसको हमने पीस लिया अच्छे से, और इसको भी इसमें डाल देंगे। तीखापन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाते हो। अब मैंने ये जो चना दाल रखा था बॉईल करके इसको भी मैं डाल दूंगी। अब अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमें नमक डाल देना है। हमने 1 चम्मच नमक डाला है। ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल देंगे जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको दबाते हुए हमें मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाए और पक भी जाए। फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में ये आमचूर पाउडर हम डाल देंगे। आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे ये हरी धनिया की पत्ती जिसको काट लिया है और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक कटोरे में हम सारा ये इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है कम तेल में ये नाश्ता, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, इसी पैन को मैं दोबारा गैस पर रख ली और इसमें हम डालेंगे अपना ये जो चने का उबाला हुआ पानी था और थोड़ा सा पानी हमने और मिला लिया क्योंकि पानी बहुत कम था, तो इसको हम इसी में डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच डालना है। और ये मेरे पास कड़ी पत्ते हैं जिसको मैंने सुखा के रखा था, इसको भी इसमें डाल देती हूँ। आपके पास हरा वाला तो हरा भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैं चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। आपके पास अगर जो हरी वाली जो मिर्च होती है रेड हो जाती है उसको भी कूट के डाल सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा कम ही हम नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच के करीब, और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। हमने लिया है 1 कप ये चावल का आटा है। आप चाहे तो इसके जगह सूजी भी ले सकते हैं।
ये आधा कप हमने और डाल दी। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमने इसको दबा दबा के कर लिया है। अब गैस का फ्लेम भी बंद कर दिया, अब उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से अभी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं हाथ से टच करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अब ये हमारा डो एकदम ठंडा हो गया। इसको हाथों से इसी में मसल मसल के इसको गूंद लेंगे ऐसे। हाथ में अगर जो लगे थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमारा आटा जो है वो गूंद के रेडी हो गया है। ये देखिए एकदम अच्छा डो बना है। अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस डो को ऐसे हाथ में लेके हमें लंबा सा बना लेना है और पूड़ी के बराबर छोटा छोटा हमें पेड़े जैसे काट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा पेड़ा बना लिया। अब इसको मैं बेल के आपको दिखाती हूँ फिलिंग करके। फ्रेंड्स, अब ये लोई लेके ऐसे गोल करके इसको दबा लेंगे हथेलियों से और इसको इसी प्लेटफॉर्म पर हम ऐसे बेल लेंगे। ऐसे पूड़ी के बराबर हमको बेल लेना है। देखिए कितना अच्छे से ये बेल रहा है। ये देखिए इसका थिकनेस हमें इतना ही थिक चाहिए। ऐसे ही पूड़ियाँ बना के पहले मैं रख लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लोइयों को बेल लिया। अब मैं फिलिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे एक पूड़ी लेना है और इसमें जो फिलिंग है ऐसे रख के हमें इसको ऐसे इसके मुंह को ऐसे कवर कर देना है, मतलब बंद कर देना है, एकदम पूरा सील कर देना है, खुला नहीं रहना चाहिए। और इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर देना है। ये देखिए ऐसे ही हमें सारा बना लेना है। फिर बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब बना लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये छेद वाली थाली रखा है। आप चाहें तो इसे तेल में फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्टीम पर पकाऊंगी पहले। ये देखिए, आप अच्छे से इसमें एक एक करके रख दीजिए ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा इस थाली में सेट कर दिया। अब इसको मैं एक दूसरी थाली से ऐसे ढक दूंगी ताकि इसका स्टीम इसमें बना रहे, फिर कुक हो जाता है। तो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छे से स्टीम हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। ऑलरेडी ये पका हुआ था, बस थोड़ा सा हमें इसको सेट करना था। तो मैं इसको आगे दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। फ्रेंड्स, आप चाहें अगर जो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है तो आप ऐसे इसको खा सकते हैं, और इसको और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसको मैं दिखाती हूँ कैसे आप बनाएंगे। इसको दो दो पीस में काट लेंगे। ये देखिए ऐसे ही काट लेंगे सारे को। देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। देखिए मैं अपना फ्राई पैन रख दी हूँ और इसमें मैं एक चम्मच तेल डाल दूँगी। ये देखिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। अब थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी पाउडर है, इसको थोड़ा सा डाल देंगे, कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसमें ये हम तिल डाल देंगे। ये तिल जो है पूरी तरह ऑप्शनल है, आप इसे डालना चाहें तो डालिए, क्योंकि इसको खाने में और ज़्यादा टेस्ट इससे बढ़ जाता है। और इसको हम ऊपर नीचे करके भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से भून चुका है। इसका इस जो ऊपर का वो लेयर है वो क्रंची हो गया। अब हम इसको उतारते हैं गैस से और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये जो नाश्ता है खाने के लिए एकदम रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये जो सुपर हेल्दी नाश्ता है ये खाने के लिए रेडी है। आप इसको रेड सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं, और खाने में बहुत ही लाजवाब ये हरे मटर का जो ये नाश्ता है बहुत ही टेस्टी लगेगा। खा के दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ा आ गया इसको खा के। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर जो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।